संभल में गंगा तट पर गंगा में डुबकी लगाने आए श्रद्धालुओं से वाहन का सुविधा शुल्क की उगाही को लेकर चले लाठी डंडे, आधा दर्जन घायल, वीडियो हुआ वायरल। संभल के कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के गंगा तट राजघाट पर श्रद्धालुओं से पार्किंग शुल्क की पर्ची कटाने को लेकर श्रद्धालु और ठेकेदारों के लोगों में कहासुनी हो गई। इसके बाद विवाद बढ़ गया और जमकर लाठी डंडे चले। घायलों को श्रद्धालुओं का आरोप है कि दबंगों ने उसे साथ जमकर मारपीट की, इसमें आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, क्या क्या हुआ ये मारपीट जो? ये सब नगर पालिका आने वाले की ये पर्ची तो घटा दी हमने। दूसरी बार वहाँ पर गैरेज लगा के मार कर रहे हैं, हमने पर्ची दिखाई थी। कहाँ पर, कहाँ आए थे, कहाँ जा रहे थे आप? राजघाट। अच्छा, क्या करने आए थे? गंगा नहाने। अच्छा, फिर? फिर उन्होंने आने हमने पर्ची कटा दी, एक दूसरे को कह रहे तो हमने भी कटा के आए। फिर उन्होंने दादा गर्दी दिखाई तो वहाँ से कई लोग आ गए। हमारी माँ को खड़ी कर, हमारी माँ है, भाई है, सब बहुत जने हमारे गाँव से ही घर की। तो सबके साथ मारपीट की? हाँ, सबके साथ, सबके चोटें लगी। मेरे ये चोट लगी है, ये चोट है।